इसमें जो है विंगेट्स लग गए हैं, और ये देखो क्या सेक्सी लग रहा है। गर्मी ने हालत खराब कर रखी है। अभी थोड़ा सा आज मौसम अच्छा हुआ है, तो अभी दिन में बाहर निकलने का मन कर रहा है, वरना दिन में बाहर निकलने का तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। काफ़ी दिनों से हमने ब्लॉग की शुरुआत जो है वो अच्छे से नहीं करी है, तो आज ब्लॉग की शुरुआत प्रॉपर अच्छे से करते हैं। हेलो गाइज, नमस्ते, सत श्री अकाल, लादाब एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जलज कुमार। इसकी हालत और के बुरी तरह ख़राब, क्योंकि ये जो पेड़ आप देख रहे हो, एक साइड का तो गाड़ी पर गिर गया था, उसके नेक्स्ट डे मतलब अगले ही दिन कल शाम को ये भी गिर गया। इसके गिरने के कारण से क्या हुआ कि पूरी जो धूल मिट्टी थी वो हमारी सुनैना के ऊपर आ गई। तो अभी मुझे नहीं पता था कि इतनी गंदी हो रही, क्योंकि ना मैं से पहले ही वॉश कर लेता, लेकिन अब मैं वॉश नहीं कर पाऊंगा। तो एक प्रोडक्ट आ रखा है जैप का, बाइक की आवाज़ आ रही है, बाइक की आवाज़ आ रही है, देखते हैं सेठ जी की या किसी और की है। धीमी हो गई आवाज़, मुड़ गई है बाइक अंदर, तो आ गए हमारे सेठ जी। आ जाओ, ये देखो। अरे भैया आइया, आराम से, सारी गाड़ियाँ बोलने लग गई आराम से। सो एक प्रोडक्ट आ रखा है जैप का, ये जैप का कार माउंट है, और मैंने जो उसकी कुछ वीडियोस देखी थी वो बहुत अच्छी वीडियोस थी, तो क्वालिटी तो उसकी काफ़ी अच्छी बताई गई। अपन खोल के देख लेते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आया है, तो उन्होंने कहा है कि आप फ्री हैं रिव्यू करने के लिए, तो मैं इसको एक बार खोल के देख लेता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट देखने में तो काफ़ी अच्छा लगा था वीडियोस में। अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसा है। और होने को एक कार माउंट है, मेरा कार से इतना वास्ता नहीं है, लेकिन मैंने इसका कुछ और अब मैं रिकॉर्डिंग में चेक करना पड़ेगा, इसमें दिखता नहीं ना फ्लिप स्क्रीन करके। क्या कह रहा था मैं, बता दिया कुछ कह रहा था। ये मे भी कुछ बिल होगा, बिल से अपने को कुछ करना नहीं है। इट सीम्स लाइक वेरी गुड क्वालिटी, बाहर से ही दिख रहा है कि क्वालिटी अच्छी है। तो बॉक्स में दो चीज़ें निकली हैं, फिनिशिंग देखो यार, ऐसा नहीं है कि फ्री आया है तो क्या बोल रहे हैं, बट रियली द फिनिशिंग इज क्वाइट गुड। फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, और मेरे पास और भी कुछ रखे हैं, कुछ कार माउंट्स मैं इसके साथ और इसको आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। हैव यू सीन दिस भाई जलज, दिस इज मेड इन कोरिया, US पेटेंट एंड पेटेंट नंबर भी है इसमें। हाँ, ये सो दिस इज देयर पेटेंट, पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मे बी यू कैन सी मेड इन कोरिया एंड पेटेंट नंबर। और बॉक्स में जो निकला है, एक तो ये सक्शन कैप है, एक मोबाइल होल्डर है, और स्पीकर है, गाइडेंस है, अपने काम का ये प्रोडक्ट है। वैसे इसकी कॉस्ट जो है वो 3300 है, काफी ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन कंपनी जो है वो डिस्काउंट में दे रही है 1500 करीब का। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे जलज10, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको 10% का डिस्काउंट उसमें भी मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं 1500 पे फिर 10% भाई फिर तो सही है, मतलब 60% ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो जाएगा आपके लिए। नहीं ज्यादा होगा ना, पहले 50%। हाँ ठीक है, और 10% ऊपर से 50% के ऊपर जाएगा फिर 10%। हाँ तो ज्यादा हो गया ऑन एंड ऑफ। बिल्डअप क्वालिटी देखो आप इसकी, बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, ये खुला ये लॉक हो गया, ठीक है, जैसे बाकी में नहीं होता ऐसे डाल होगा, एडजस्ट होगा, और जैसे ही फोन इस पे टच करेगा ये उसको ग्रिप कर लेगा, ये लगेगा, और यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे। तो इसको जॉइंट करने के लिए, इजी करने के लिए, एक वो होल्डर टाइप के बना रखे दोनों प्लास्टिक में, मे बी यहाँ से। हाँ ये देखिए, ये होल्डर आपका नहीं लंबा हो जाता है, ये यहाँ से लंबा भी हो जाता है, तो इसको हम ऐसे दबा देंगे तो ये पैक हो जाएगा, और यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आपको स्क्रीन ऊपर नीचे करनी है तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें एक एडजस्टिंग पॉइंट ये है, एक एडजस्टिंग पॉइंट ये है, एक एडजस्टिंग पॉइंट ये है, एक ये भी है, फोन की हाइट और लो को एडजस्ट करने का है। अब मैं बताता हूँ इसको मैं यूज में कैसे लेने वाला हूँ, क्योंकि कार में तो चलो यूज हो ही जाएगा, लेकिन मैं इसको बाइक में यूज करने वाला हूँ। मैक्सिमम क्या होता है, हम लोगों को कुछ शॉट लेना है तो हम लोग फोन को हाथ में लेना पड़ता है और फिर स्क्रीन का हम लोग शॉट लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे सेट करेंगे और फोन लगा करके फिर ऐसे आगे का ओर लेंगे शॉट। है क्या ग्रिप है, ओ तेरी, ओ तेरी, ओ टैंक भाई साहब, टैंक निकलने को तैयार है। अगर आप फोन डायरेक्ट इसमें लेके जाओगे, रख दोगे, फोन सेट, और अगर आपको खोलना है, ये देखो फोन आपका बिल्कुल सेट हो गया है, और इसको टाइट कर लेंगे यहाँ पर, नीचे वाला जो पॉइंट है वो हमने एडजस्ट कर लिया है और इसको भी टाइट कर लिया है। तो ये फोन आपका मुश्किल, आप यहाँ से देखो कि लग नहीं रहा कि हिलेगा, बाइक जब चलेगी तब एकदम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि क्या होगा। और इसको यहाँ से आपने पॉइंट दबाया, ये खुला और फोन आपका हाथ में, तो
मे भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत वर्दी प्रोडक्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और भी कैजैप के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, अगर आप वो भी लेना चाहेंगे तो आप जलज 10 करके कोड यूज कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट सारे प्रोडक्ट्स में मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपने फ़ोन पे यही किया है, मतलब कोई और फ़ोन नहीं लगाया, खुद का फ़ोन लगाया है, चेक करने के लिए। देखते हैं कितना टिकता है कितना नहीं टिकता है। सो ये देखो, मैंने भी काफ़ी अच्छी स्पीड में खींचा, कोई ज़्यादा मतलब हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खींचा, लेकिन फिर भी अच्छी खासी स्पीड में खींचा। और फ़ोन वैसे के वैसे ही लगा हुआ है, मतलब इसमें रबड़ रबड़ लगाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, और अच्छा टिका हुआ अभी भी फ़ोन। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? ये लगा दें आपकी बाइक में, ये हैंडलों में फिट कर दें, ये नहीं ये फिट कर दें, ये क्या चाहिए बताइए? नहीं पसंद आया माल भाई, यही तो दिक्कत है यार। हैं? भाई मौसम अभी इतना कातिल हो गया, और अपनी बाइक में काम हो रहा है, दीपक भैया की बाइक में काम हो गया, वो घर चले गए, क्योंकि मैं भी गुड़गांव के जो बॉर्डर है वो बंद हो सकते हैं ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। ये लग गया है इसमें ट्रैक्शन पैड, विंग गेट्स अभी लग रहे हैं। तो फाइनली बाइक अपनी रेडी हो गई है पूरी, और इसमें जो है विंग गेट्स लग गए हैं, और ये देखो क्या सेक्सी लग रहा है आगे से लुक देखो, बाय गॉड। और इसने अपनी जो 6R में रेस फिट लगवाया, तो ये इसने 6R की लाइट जो चेंज करी है, देखो क्या सेक्सी लग रही है। सो पीछे मासूम आ रहा है, मैं भी आपको शीशे में दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, और उसकी जो लाइट्स हैं बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही है। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजौरी गार्डन में, कैफे चीनो, तिलक नगर। गलत एड्रेस बता है, तिलक नगर यार, ये राजौरी गार्डन कह रहा था तब से। तिलक नगर पड़ता, राजौरी पड़ता है, आप बताओ। राजौरी लगाओगे, तिलक में लगाओगे? ये राजौरी है, ये ऑन कैमरा है, इसे नोट किया जाए। तो फिलहाल अभी हम देव भैया के यहाँ पहुँच गए हैं कैफे चीनो में, और 6R, 10R, 900 और 1000 है यहाँ पर, और थोड़ा सा बारिश होने लगी हल्की हल्की, तो थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से घर में बैठे बैठे पागल हो चुके थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, अब रिलैक्स मिला है, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मास्क इसलिए लगाए, कॉफ़ी पी रहा था। कुछ कह रहे हो मासूम जी आप? नहीं सॉरी, मुस्कान। ये भाई ये गलत कर रहे हो तुम यहाँ, ये मुस्कान दे रहा, कितनी स्वीट है। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या पता बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो अब ऐसी बारिश में निकलना पड़ेगा। और मैं भी देखो कितना गंदा होता है, आजा भाई, मैं तो फिर भी विंडचीटर पहन के आया हूँ, ये लोग टी शर्ट में आ रखे थे, ये लोग बुरी तरह भीगने वाले हैं, लेकिन बारिश में बाइक चलाऊंगा तो और मजा आने वाला है। गोप्रो में मैं भी कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि गोप्रो मेरा जो है वाटर प्रूफ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा चीजें इसमें ऐसी लगा रखी है। अब देखो क्या होता है, ये देखो। तो दिलप्रीत राजी और सारा अंदर बैठे हुए, इनका फोन आया कि भाई तुम कहाँ ही, तुम्हारी बाइकों की आवाज़ आ रही है, कहाँ पर हो? ये देखो बड़े बड़े लोग घूम रहे भैया। अबे लाइट बंद कर। हाँ, और ये देखो, ये है मासूम की लाइट 6R की, और क्या जबरदस्त लग रही है। ओहो, चल बंद कर दे, कोई मजा नहीं आया भाई साहब। एक तो बारिश और ऊपर से जाम। भाई साहब कितने मेहनती हैं, देखो अभी अभी वहां से हमारे साथ राजौरी में थे, और यहाँ के खाना भी बनाना शुरू कर दिया। क्या बना रहे? ब्लॉग में डाल दियो ये। ये ब्लॉग में नहीं डालना, कुछ कह रहे हो बाजी? ब्लॉग में नहीं डालना। नहीं, लेकिन देखने में जबरदस्त लग रहा है जो आप बना रहे हो। हाथ सैनिटाइज करके बनाए भैया ने। हाँ, हाथ सैनिटाइज करके बनाए। अगर आप ये पर बोर्ड है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो सहानी, क्या नाम है, कांगे बोर्ड, कांगे
अरे बोर्ड तो हटाई दिया। मेन्यू कार्ड दिखाओ, मेन्यू कार्ड सारा मिल जाएगा। थैंक यू, नहीं मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा कुछ। फिश फ्राई, फिश का सब कुछ बढ़िया। अरे ओरियो फिश क्या दे? ओरले 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 फिश। तो फाइनली अब मैं घर पहुंच गया हूं और इस वीडियो को आप क्लोज डाउन करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ज़ैप का, ये आप देख रहे हो, तो अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, आईडी है डॉक्टर जलज कुमार, यहाँ नीचे आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जैसा भी लगा है, जो भी आपका रिव्यू है वो प्लीज़ दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो क्या हम बेटर कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा है तो क्या चीज़ अच्छी लगी है, जो भी आपका रिव्यू है ऑनेस्टली आप नीचे दे सकते हैं। वीडियो को लाइक डिसलाइक जो करना आप कर सकते हैं। मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ। इसका जो मैंने कार रिव्यू बनाना था वो कल बनाऊंगा, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज रज कुमार, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।